अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं है, ना जूलॉजी ना बॉटनी, ये एक जनरल चैप्टर है जिनमें हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं वो है व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट आर स्पेशल फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, डिस्क्राइब द लेवल बायोलॉजी, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स एंड व्हाट इज क्लोनिंग। ये 9 क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से आते हैं, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो पेपर में हमारे पास लाजमी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी के जो हमारे पास आंसर है वो है, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब इसको हम स्टडी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन को वन वर्ड में अगर हम बताना चाहें तो। उसके अलावा ये जो वर्ड है बायोलॉजी का, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बायोस जिसका मतलब है लाइफ एंड लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। तो बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। उसके अलावा जो है बायोलॉजी में जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, इसको हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है, एक है प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में हम उन तमाम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और प्लांट्स की स्टडी करने को जो है हम कहते हैं बॉटनी। इसी तरह जो एनिमल किंगडम में हम तमाम एनिमल्स को स्टडी करेंगे और एनिमल्स की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ नोन एज बॉटनी और द स्टडी ऑफ एनिमल इज़ नोन एज जूलॉजी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है, जिसे क्लासिफाई किसने किया, रॉबर्ट विटकर ने 1969 में। लेकिन कुछ अर्से के बाद जब मैगलिस और शवॉर्ट्स आए तो उन्होंने इसी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को जो फर्दर मॉडिफाइड किया। तो जो नंबर 1 किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होते हैं ओबेंटेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसके पास इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब अपनी गजा हासिल करने का जो तरीके हैं, वो बहुत सारे होते हैं और इनमें जो सैम्पल है वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। इसी तरह सेकेंड किंगडम हमारे पास किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं और एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने के आदि होते हैं। उसके अलावा तमाम यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल होते हैं और कॉलोनी में भी रहते हैं और सॉलिटरी भी रहते हैं, मतलब सिंगल भी रहते हैं और कॉलोनी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। इसी बिहाफ पर इन्हें दो में क्लासीफाई किया है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। वो तमाम सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो ऑटोट्रॉप होते हैं, उनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहते हैं। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, हमें पता है ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो कि अपने गजा को खुद प्रिपेयर करते हैं, इसकी एग्जांपल है क्रैमरोमोनास। इसी तरह एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में तो वो तमाम सेल वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी गजा खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों से लेते हैं, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, अम्यूबा। थर्ड किंगडम हमारे पास आता है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई जो होते हैं हमें पता है कि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लेमेंटस होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में नजर आने वाली होती है और इनकी जो बॉडी होती है फ्लेमेंट होती है। उसके बाद इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये सैप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं। सैप्रोफाइटिक कौन होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी गजा किसी भी डेड बॉडी से ऑब्टेन करें, उन्हें हम सैप्रोफाइटिक इन नेचर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, राइजोफस और एगेरिकस। इसके अलावा जो फोर्थ किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हम लिखेंगे कि ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं और एक पानी में भी रह सकते हैं।
इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है, मतलब अपनी गजा खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर एंड फाइनस। जो हमारे पास फाइव किंगडम्स होते हैं, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया में हम एग्जाम्पल ले लेंगे अपनी ह्यूमन बींग्स की, और इनमें जो हम ये लिख सकते हैं कि तमाम जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपनी गजा खुद प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट आर स्पेशल फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब हम अपने बायोलॉजी को किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है नंबर 1 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिनमें हम तमाम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड, उसकी जीन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे, प्रोटीन या प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह हो रही है, मतलब तमाम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। सेकंड हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में मतलब हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट आई से नज़र नहीं आते, जिन्हें हम वायरस बैक्टीरिया कह सकते हैं, प्रोटोजोआ कह सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड फील्ड क्या हो गई, माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड फील्ड हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी हमारे पास है जिनमें हम तमाम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और उसकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद है मैरीन बायोलॉजी जिनमें हम उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कि समुंदर में रहते हैं या फिर ओशन वाटर में रहते हैं। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो ओशन और सी में रहते हैं, तो उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ, तो उनका इन्वायरमेंट क्या है, मैरीन है, तो वो मैरीन में जो रह रहे हैं, उस पानी में जो रह रहे हैं, तो उनका फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और उसका उसके इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम मैरीन बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इस तरह पर जो है फिफ्थ वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, किसी भी रिवर में रहते हैं, किसी भी लेक पॉन्ड्स में रहते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या है, उस फ्रेश वाटर की और उसकी जो उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं उसको स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिनमें हम तमाम पैरासाइट्स की जो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, उनका किस डिजीज़ फैलाने का तरीका क्या होगा, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट की स्टडी करना, और पैरासाइट्स क्या होते हैं वो हमें पता है कि जो कि अपनी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी आती है, ह्यूमन बायोलॉजी में हम तमाम ह्यूमन की लाइफ को स्टडी करते हैं, ह्यूमन की लाइफ में हम उसकी एनाटॉमी मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और उनकी एवोल्यूशन कैसे हो रही है, उनकी इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है उसको स्टडी करते हैं। एज हमारे पास आता है सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी में हम तमाम ऑर्गेनिजम्स की, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम की सोशल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं कि उनका पॉपुलेशन क्या है, वो किस तरह से रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उन तमाम चीज़ों को हम सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है लेकिन एक मॉडर्न टेक्निक है जिनमें हम जीन्स को किस तरह से उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, किस तरह से न्यू टेक्निक्स आ रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए किस तरह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में लास्ट में आता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बताने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से दोस्तों के साथ एसोसिएट करके अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो जो नंबर 1 एसोसिएशन है वो क्या है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उसे हम उस एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं जिनमें टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ गेट बेनिफिट, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से बेनिफिट कैसे उठाएंगे, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारी डाइजेशन में, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं और ख़ुद को फूड हासिल करके अपने आप को फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे एसोसिएशन जिनमें दोनों को फ़ायदा हो उनमें हम सिम्बायोसिस एसोसिएशन को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में हम किसको डिस्कस करते हैं कि ऐसे एसोसिएशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फ़ायदा उठा रहा है और दूसरा
ना ही फ़ायदा उठा रहे हैं ना ही कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, मतलब जो मैन है, उनके इंटेस्टाइन में सैप्रोफाइट बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और ख़ुद ना नुकसान पहुँचा रहे हैं ना कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब वो नॉर्मल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है सीलिएट्स लिविंग इन द हाइंड ऑफ गट, फ्रॉग के हाइंड गट में रहते हैं कौन, सीलिएट्स, और वो क्या खाते हैं, दे ईट लैक्टोज कंटेंट ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा नंबर 3 एसोसिएशन हमारे पास आ जाती है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो है आपस में म्यूचुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के जरिए रहते हैं, मतलब ऐसे एसोसिएशन जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों अलग हो जाएं तो ये मरेंगे नहीं, ये अलग अलग भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब अगर एक साथ हैं तो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और अगर अलग अलग हैं तो कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे, अलग अलग भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है लेचेंस। उसके अलावा जो लास्ट वन है हमारे पास है वो पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म जो होता है फ़ायदा पहुँचा रहा होता है और दूसरा जो होता है वो हार्म हो रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है पैरासाइटिज्म की, एसोसिएशन इज क्लैड पैरासाइटिज्म, मतलब प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया इन मैन। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है, ये क्या हो गया पैरासाइटम पैरासाइटिज्म एसोसिएशन हो गई, मतलब एक प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन बॉडी में रह रहा है लेकिन उसको नुकसान पहुँचा रहा है, खुद फ़ायदा उठा ले रहा है और उसको दूसरे वाले को नुकसान पहुँचा रहा है। किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है, ह्यूमन में मलेरिया कॉज करके। उसके बाद नंबर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे पास ये जो क्वेश्चन है स्कोप ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी आ सकता है, तो हमारे पास आंसर जो है सेम होगा। तो हम हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी डालकर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे कि बायोलॉजी जो है डिफरेंट फील्ड में यूज़ हो सकती है। इसके अलावा बायोलॉजी की स्टडी करते हुए हम अपनी किसी भी चीज़ों की क्वालिटी को या फिर उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे स्कोप ऑफ बायोलॉजी या एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हमने वैक्सीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजी करके हम वैक्सीन भी बना सकते हैं। इस तरह से 1795 में एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन डिस्कवर किया था पोलियो और स्मॉल पॉक्स के लिए। उन्होंने एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए दूसरे पैथोजन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई थी, पोलियो और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजी करते हुए हम एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हमने बनाई है पेनिसिलिन की, जो कि फ्लेमिंग ने बनाई थी, फ्लेमिंग एंड चेन ने बनाई थी 1945 में, पेनिसिलियम को यूज़ करते हुए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी। उसके अलावा कीमोथेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम बायोलॉजी की स्टडी करते हुए कीमोथेरेपी जो कैंसर पेशेंट्स की होती है कीमोथेरेपी, उसमें भी हम यूज़ करते हैं कैंसर और ट्यूमर के लिए, उसमें हम केमिकल्स को यूज़ करते हुए कीमोथेरेपी करते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी भी करते हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, मतलब स्पेशल फील्ड ये भी है कि रेडियोथेरेपी, जिनमें हम रेडियो एक्टिव रेज़ को स्टडी करते हैं फिर मतलब अगेंस्ट कैंसर और ट्यूमर के हम यूज़ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ क्लोनिंग, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोनिंग के बारे में बताएंगे, क्लोनिंग बेसिकली है क्या, मैकेनिज्म बताएंगे कि किस तरीके से होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें बताएंगे। तो क्लोनिंग की डेफिनेशन में हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनिंग। मतलब क्लोनिंग की मदद से हम जो होते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स के बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हम बना सकते हैं, जैसे ट्विंस, कैंसर सेल और ट्यूमर सेल हम क्लोनिंग के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मैकेनिज्म की बात करें क्लोनिंग के, तो क्लोनिंग हम किस तरह से करते हैं, तो किसी भी फीमेल बॉडी से हम जो होते हैं अनफर्टिलाइज ओवम या फिर एग को निकालते हैं, मतलब आइसोलेट करते हैं किसी भी फीमेल बॉडी से। उसके बाद वो जो एग हमें निकाला उसमें से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद किसी भी मैच्योर सेल के न्यूक्लियस को उस एग में हम इंट्रोड्यूस करवा कर फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसके बाद जब हमने फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी तो वो एक नेचुरल प्रोसेस से जरिए बर्थ हो जाएगी किसी भी इंडिविजुअल की। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म था क्लोनिंग का। इसके अलावा अगर हम एडवांटेज की बात करें कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेन के नए सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे स्किन को भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं,
लीवर सेल को भी प्रोड्यूस कर करवा सकते हैं। उसके अलावा हम अगर कोई भी हमारे पास डिफेक्टेड सेल है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस क्लोनिंग के ज़रिए। इसके अलावा हम बहुत से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ हॉर्मोन है, इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोनिंग के ज़रिए। इसके अलावा हम इस टेक्निक को यूज़ करते हुए किसी भी प्लांट की क्वालिटी को या फिर क्वान्टिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जब किसी चीज़ के एडवांटेज होता है तो एज़ यूजुअल हमें पता है कि डिसएडवांटेज भी होता है। तो क्लोनिंग के डिसएडवांटेज ये है कि क्लोनिंग के ज़रिए हम अगर कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लें तो वो एक क्रिमिनल भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो कंट्री में क्रिमिनल पर्सन की क्वान्टिटी बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। उसके अलावा जो क्लोनिंग वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता होती ना कि उनका फादर कौन है और मतलब उनकी क्या एक इमेज है, तो ये अगर हमारे एक इस्लामिक सोसाइटी की लिहाज से देखें तो ये हमारे लिए गलत है। तो ये था हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ क्लोनिंग।